नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसावुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृत्ति के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सबसे पहला पुरुषार्थ हमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण का करना चाहिए। होता कुछ और है, करना कुछ और है। जब आपकी समझ आना चालू होती है तो सबसे पहले आप यही सोचते हो कि एक बहुत अच्छा घर बनाना है, एक अच्छा व्यापार करना है, अच्छी पढ़ाई करना है। इसके बाद क्या सोचते हो? अच्छी जॉब करना है। फिर क्या सोचते हो? अच्छी लड़की से या अच्छे लड़के से शादी करना है। फिर थोड़ा बिजनेस सेट हो जाए तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा, नगर के बाहर एक अच्छा फार्म हाउस बनाना है, दो गाय पालना है, अच्छी गिर गाय पालना है। ये सब अच्छा अच्छा आप जोड़ते हो, लेकिन इन सब चीजों में अच्छा अच्छा जोड़ने के बाद भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा? कभी सोचा आपने? आपने सब कुछ अच्छा अच्छा जोड़ लिया, अच्छी दुकान चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी डिग्री चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, सब अच्छा 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 मकान चाहिए, लेकिन सब कुछ अच्छा करने के साथ साथ अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो जो कुछ भी अच्छा जोड़ा है वो व्यर्थ है। फिर कुछ भी चीजें काम की नहीं रहेंगी। कभी आप महाभारत में के उस युद्ध को देखना अथवा महाभारत की कथा पढ़ना, चित्रण करना मस्तिष्क में। दुर्योधन के पास पांडवों से अच्छा महल था, दुर्योधन के पास पांडवों से ज्यादा सेना थी, कौरवों के पास द्रोणाचार्य गुरु भी किसके पास थे? दुर्योधन के पास ही तो थे। सब कुछ था, पैसा था, माता थी, पिता थे, भाई बंधु थे, सब कुछ था, लेकिन व्यक्तित्व अच्छा नहीं था। और अच्छा व्यक्तित्व नहीं था इसीलिए तो उस समय भी हार हुई और आज भी नाम अच्छे लोगों में नहीं लिया जा रहा। अगर आप अपने व्यक्तित्व पर काम करेंगे तो चीजें आपके पास अच्छी हों ना हों, लेकिन आपको अच्छे लोगों में गिना जाएगा। अगर आपने नैतिकता का पालन किया है तो चीजें आपके लिए अच्छी उत्तर उत्तर होंगी। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व के निर्माण का काम करना है। घर मकान तो बाद में बनाएंगे, अगर व्यक्तित्व अच्छा बन गया, घर मकान क्या, दुनिया तुम्हारी बन जाएगी। लेकिन व्यक्तित्व एक होता है दिखावे का व्यक्तित्व और एक होता है अंदर का व्यक्तित्व। दिखावे का व्यक्तित्व दुनिया देखती है, दुनिया पसंद करती है, अंदर का व्यक्तित्व आपका कैसा है, आपके अंदर का व्यक्तित्व कैसा है? मेरा ये मानना है कि अगर अपन अंदर बैठी चेतना से बातें करते हैं, मेरी बात को बड़ी गंभीरता से समझना आप, अगर आज आप बाहर बैठे कर बैठ करके अपनी अंदर बैठी चेतना से बातें करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। बैठ करके अपनी चेतना से बातें करो, चेतना बोलेगी कि तुमने वहां झूठ बोला था। आपकी अंदर की चेतना बोलेगी कि देखो उस समय तुमने उसके साथ गलत किया था। तुम्हारी चेतना बोलेगी, क्योंकि दिमाग झूठ नहीं बोलता, झूठ तो दिल बोलता है। जो लोग कसम खाते हैं अक्सर सबसे ज्यादा झूठ बोलते वही पाए जाते हैं। बात बात में रामदेव कसम से, भगवान ही कसम, अगर एक कसम खाने वाले सही होते ना सबसे पहले भगवान ही जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग भगवान की कसम खाते हैं। कोर्ट में भी जाएंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा, और अंदर पता है उसको कि मैं झूठ बोल रहा हूं।
उसको पता है कि अंदर झूठ बोल रहा हूं। छोटे से बच्चे से अगर कोई चीज गिर गई, कहता मैं था ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। एक सागर की घटना सुनाता हूँ आपको। एक चौके में मेरे आहार हुए तो थाली ढकी हुई थी, उन्होंने थाली खोली, थाली पूरी खा ली, कहीं कहीं चाशनी टच थी। घबरा गया चौके वाला कि थाली तो भर के रखी थी। उन्होंने अंदर से लाके सामग्री दिखाई। बाद में चौके के आहार के उन्होंने पूछा बच्चे से, क्यों बेटा इसकी मिठाई वाली थाली की मिठाई पूरी गायब है, कहाँ है? बोले एक चूहा घूम रहा था, 3-4 साल का बच्चा था। वो क्या कह रहा था? एक चूहा घूम रहा था, वो खा गया होगा। मैंने उससे पूछा क्यों तुमने खाई ना? उसकी चेतना को पता था कि वो झूठ कह रहा है। ऐसे ही आप अपनी चेतना से पूछो कि आपके व्यक्तित्व में आपको पता है कि नहीं कि आप सच हो कि झूठ, पता है कि नहीं? नहीं पता? पता है, पता है, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। आपके व्यक्तित्व के निर्माण में अगर बाधक कोई है तो वो आप हो, क्योंकि आपके पास आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ना समय है ना ही कोई योजना है। अब जब समय नहीं है, योजना नहीं है, तो व्यक्तित्व बनेगा कैसे? एक माँ जब आटा गूंथने के लिए निकालती है तो दिमाग में रखती है 5 रोटी बनाना है, 4 पराठे बनाना है और 1-2 रोटी का आटा एक्स्ट्रा लेके चलना है, ये दिमाग में रहता है ना। तो उतना आप आटा निकाल करके गूंथ के रखते हो। योजना, योजनाबद्ध तरीके से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, लेकिन आप लोग इस योजनाबद्ध तरीके से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते नहीं हो। घर बनाने में लगे हो जिसमें मरना है, घर बनाने में लगे हो जिसमें मरना है, जीना तो पैदा तो हो ही चुकी हो। गाड़ियां जोड़ने में लगे हो जिनको छोड़ना है, कार जो बेकार है। और सुनो, पैसा कमाने में लगे हो जो साथ में जाना नहीं है। अपने व्यक्तित्व के लिए कब काम करोगे? मेरा मानना है कमाई बहुत लोग करते हैं, कमाई बहुत लोग करते हैं, लेकिन बड़ा व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर दे इसका मतलब तुमने सच में कमाई की है। अथवा मरने के बाद, मरने के बाद तुम्हारी उठावने में, काठी में कितने लोग आए हैं, तुम्हारी काठी में कितने लोग आए हैं, वो तेरी कमाई है, वो तुम्हारी कमाई, बाकी तो तुम्हारा खाया खोया बह गया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अच्छा अब अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें कैसे, इस पर बात करते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण किसको करना है? आपको स्वयं को। तो मेहनत भी किसको करना पड़ेगी? आपको स्वयं को। बुराइयां किसको हटाना पड़ेगी? खुद की। आपको स्वयं को। अच्छाइयां किसको लाना पड़ेगी? खुद के अंदर। आपको स्वयं को, मतलब टीचर भी आप हो, स्टूडेंट भी आप हो, मार्क्स भी आपको देना है, पास भी आप होगे और फेल भी आप ही होगे, और रिजल्ट भी आपको ही पता है, हल्ला दुनिया में होगा। इसलिए आज की नीति कह रही है कि अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पूज्य और गुणवान लोगों का अनुसरण करें, उनकी बातों का अनुसरण करें, उनका अनुसरण करें। वो जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक होती कंपटीशन की भावना और एक होता है सीखने की भावना। मैं तो उसके आगे निकल के दिखाऊंगा, उसको पीछे छोड़ दूंगा कहीं अपने, तुम कभी आगे नहीं निकल पाओगे। तुम ये सोचो कि वो जो कर रहे हैं मुझे वो सीखना है, मुझे वो सीखना है, तो तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आप लगते हो पीछे पीछे, तुमको लगना चाहिए साथ साथ, पीछे नहीं साथ साथ। जो आपसे बड़े हों, पूज्य हों, अथवा जो आपसे अधिक गुणवान हो, इन लोगों का अनुसरण करना चाहिए। कितने बजे उठता है वो व्यक्ति, कितने बजे सोता है वो, दिन भर क्या करता है वो, व्यापार किस टेक्निक से करता है,
अगर कोई साधक है आपको उसके जैसा व्यक्तित्व चाहिए तो वो साधना कितने बजे से कैसी करता है, कितनी बार माला फेरता है, वो क्या क्या करता है, उनका अनुसरण कर लो, आप उनका अनुसरण कर लो, साथ में खड़े होके देखो। वकील को भी अच्छा वकील बनने के लिए एक अच्छे वकील के नीचे वकालत करना पड़ती है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता, सही है ना। एक वकील भी वकील के पीछे बैठ के वकालत करता है, प्रैक्टिस करता है, आप भी करो, जो पूज्य हैं या आपसे गुणों में अधिक हैं उनके पीछे पीछे लगो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भावना उसी की होगी जिसका मन अच्छा होगा। कभी भगवान मंदिर में बैठे भगवान की प्रतिमा को देखना, प्रतिमा उसी पत्थर की बन पाती है जो कठोर होता है, जो पत्थर नाजुक है वो टूट कर चटक के टूट जाएगा, सही है। लेकिन जो प्रतिमा का पत्थर कठोर है वही परमात्मा की मूरत बन पाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है बाहर से तो कठोर दिखूं लेकिन अंदर से परमात्मा का आकार लेकर के रखूं। जो वास्तविकता में काइंड हार्टेड होगा, बिना मान के, बिना ईर्ष्या के, बिना असूया के जिएगा, बिना मात्सर्य भाव के जिएगा, ऐसा ही व्यक्ति तो गुणवानों के पास बैठ पाएगा, बाकी तो सिर्फ वो गुणवानों की भी कमी निकालेगा। एक व्यक्ति सीताफल लेने गया, पहली बार देखा उसने सीताफल, और जो सब्जी वाली थी उसने किलो से दिए, जहां से वो लेके आया वहां किलो से बिकते थे, किलो से लाया सीताफल, कितने आएंगे एक किलो में, कितने आएंगे, तीन आए, तीन चार श्रीफल उसके सीताफल आ गए, बड़ा खुश, चलो चार इतने बड़े बड़े अपना तो पेट भर जाएगा। उसने खोला, कचरा निकाला, दल दल खाया, 150-200 ग्राम निकला। तो निंदा कर रहा है किसकी, सीताफल की, काय का फल है, कुछ मिलता ही नहीं है। अरे उसको पता नहीं है, अगर बाहर का कोटरा ना हो तो अंदर का दल भी इतना अच्छा नहीं होगा। कभी आप लोगों ने सीताफल खाया और जल्दी जल्दी में उसके दल के साथ साथ छिलका भी थोड़ी बहुत खा लिया, कैसा, किसके साथ है खाया, सबने खाया होगा, थोड़ा सा किसके साथ जाता है, हल्का सा एक्स्ट्रा ले लो तो, है ना। ऐसे ही होता है, अगर आप गुण के साथ अवगुण भी ले लोगे तो पूरा मन किसके साथ जाता है। अपन पूज्यों का, गुणवानों का अनुसरण करें, अपन वो जो कर रहे हैं उसको देखें, समझें, सोचें, अरे वो कैसे कर रहे हैं, मुझे भी वैसे ही करना है मुझे, क्योंकि उनके जैसा बनना है, उनसे अच्छा नहीं बनना। आदर्श जिसको बनाया जाता है उसके जैसा बना जाता है, उससे अच्छे बनने का भाव नहीं होता। वो जिस दिन बोल दे तुम उससे अच्छे हो, तब भी कहना कि नहीं मैं आपसे छोटा ही हूं। और उसकी दूसरी बात करता हूं अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, जो पूज्य या गुणवान है उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों का अनुसरण करो, अपना दिमाग मत लगाओ। गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे कि गुरु जो कर रहे हैं वो देखो समझो, लेकिन जो गुरु कह रहे हैं वो करो। गुरु बनना है तुमको तो उनका अनुसरण करो, उनकी बातें सुनो। अगर उन्होंने कह दिया उठ करके जाओ तो ये मत पूछो कि इतनी बड़ी सभा में मुझसे ही क्यों कहा कि जाओ, कुछ ना कुछ अच्छा होगा जब तो तुमसे कहा है कि तुम जाओ। हो सकता है वो बात तुम्हारे काम की नहीं हो, हो सकता है कि कोई बात तुम्हारे काम की हो, तुमको सो के उठा के बुलाए जरा सुनो। तो गुरु जो होते हैं बड़े, या पूज्य जन जो होते हैं गुणवान होते हैं, वो बड़े गंभीरता से अपनी बातों को रखते हैं, उनकी बातें सुने समझें। देखो आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हो, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, आप बिल्कुल गंभीरता से सुनते हो कि गुरु जी कुछ कह रहे हैं। अगर आपने हर वक्तव्य से मेरे एक प्रवचन से भी एक लाइन भी निकाल ली और 100 दिन की 100 लाइनें ग्रहण कर ली, काम हो गया, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लोग आपके व्यक्तित्व की सराहना करेंगे, लेकिन होता कुछ और है क्योंकि करते कुछ और। आप पूरा सुनते हो, इतना सभी नहीं लेके जाते हो। आज का लेके जाना अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, जिनको आदर्श बनाया है उस पर ध्यान दें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका व्यक्तित्व धूमिल हो।
हाँ कोई अगर प्रत्यारोप करता है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, फल लगे हैं तो पत्थर तो लगेंगे, लेकिन प्रत्यारोप करने के बाद आप देखो कि वो आपके अंदर वो कमी है कि नहीं, नहीं है तो मुस्कुरा दो, है तो दूर कर दो। ये आपके व्यक्तित्व के निर्माण की कला है। मैं तो कहूंगा कि बड़ों को मानना और बड़ों की मानना दोनों में बहुत अंतर है। आप अपने बड़ों को मानते हो, पिता के पैर भी छूते हो, क्या पिता की मानते भी हो, क्या पिताजी की मानते हो? बड़ों को मानना और बड़ों की मानना दोनों में अंतर है। आज ज्यादातर लोग बड़ों को तो मानते हैं, बड़ों की नहीं मानते, और जब तक बड़ों की नहीं मानेंगे तब तक वो बड़े बन भी नहीं पाएंगे, तब तक वो बड़े बन भी नहीं पाएंगे। दुनिया में 100 में से प्रायः करके 90% लोग ये मानते हैं कि भगवान होते हैं। वो 100 में से 90% लोग ये मान भगवान हैं, ये वो मानते हैं, लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। भगवान हैं ये सब मानते हैं, लेकिन भगवान की कितने लोग मानते हैं? जितने लोग मानते हैं भगवान की डायरी में उनका ही नाम लिखा जाता है। मानो ना, भगवान को मानने के साथ साथ उनकी भी मानो। एक कथा याद आ रही है, एक व्यक्ति अपने घर की छत पर बैठा था और एक विमान निकल रहा था देव का। उसने नीचे बुलाया कि नीचे आओ जरा आप, क्या इतनी बड़ी किताब लेकर के कहाँ जा रहे हो? उसके विमान में सामने किताब रखी थी। बोले इस किताब में क्या लिखा है? इस किताब में उन लोगों का नाम है जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान को चाहते हैं, उसके नाम है। उसने कहा मैं भी दिखाओ। वो दिन में 12 घंटे बैठ के भगवान की भक्ति करता था, पूरा किताब उल्टी पलटी कर दी, उसका नाम ही नहीं लिखा। सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मिस्टेक हो गई होगी, अपन तो भगवान के भक्त हैं। 15-20 दिन, 1 महीने बाद वो फिर से पुनः एक विमान लेकर के निकला। उसमें छोटी सी किताब हाथ पे लिया था। बोले इसमें क्या है? बोले जो भगवान को चाहते हैं उस किताब में उनके नाम थे, भगवान जिसको चाहते हैं उसके नाम इनमें है, सबसे पहले उसका नाम लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि वो भगवान को तो मानता है, वो भगवान को तो मानता था, लेकिन साथ साथ भगवान की भी मानता था। जब तक आप अंदर से ठंडे नहीं होगे तब तक आप ना भगवान को मानोगे ना भगवान की मानोगे। परिवर्तन लाएं, अपने व्यक्तित्व के निर्माण का पुरुषार्थ करें। फर्स्ट स्टेप, घर बनाना उतना जरूरी नहीं है जितना व्यक्तित्व बनाना जरूरी है। और आपके व्यक्तित्व पर अगर कोई धूल डाल भी दे तो चिंता मत करना, चिंता मत करना, तुम्हारा व्यक्तित्व जितना चमकीला होगा रेत उतनी जल्दी फिसल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तित्व पर काम करो, कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं। तुम अपनी इमारत इतनी ऊंची कर लो कि तुम्हारे व्यक्तित्व पर अगर कोई छींटे भी ना लगा पाए। इसे प्रक्रिया से आप व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, बाकी आपकी रुचि। मैं बताने वाला हूँ, मैं बचाने वाला नहीं हूँ। भगवान को मानना, भगवान की भी मानना। भगवान को मानने वाले बहुत हैं, भगवान की मानने वाले कम हैं। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए इस नीति को जीना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की